Viewers, today I am going to tell you what should not be searched in Google. Is it harmful for your security? 5 things you should never search on Google. आप Google पे क्या चीज नहीं सर्च करें जो आपके लिए harmful है? Don't search for things that clue Google into your location. ऐसी कोई भी चीज सर्च न करें जो बताए कि आपकी location क्या है. Don't search for information on medical issue or drugs. मेडिकल इशू और ड्रग्स के लिए मत सर्च करें. डोंट गिव योर सर्च इंजन हिंट अबाउट योर इनसिक्योरिटी. आपको किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है उसकी हिंट आप ना दें. डोंट सर्च फॉर एनीथिंग सस्पिशियस स्पेशली एट वर्क. काम के समय क्या चीज़ सस्पिशियस है उसको सर्च ना करें. डोंट गूगल एनीथिंग दैट एनेबल गूगल टू डिफाइन योर आइडेंटिटी. और एनी ऐसी चीज़ें कोई भी ढूंढे ना जो ये बताए कि आपकी क्या आइडेंटिटी है. अब ये सब क्यों ना करें हम ये जब आप वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा. 5 चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए. व्हाट शुड नॉट बी सर्च इन गूगल. प्रोटेक्टिंग योर प्राइवेसी ऑनलाइन कैन बी डिफिकल्ट. अपनी प्राइवेसी को ऑनलाइन सर्च छुपाना बहुत मुश्किल है. इफ यू यूज Google, Bing, Yahoo or any other search engine that record your IP address and search terms, there are something, many things, it's turn out. अगर आपका कोई चीज़ सर्च करते हैं और आपका IP address Google के द्वारा जान लिया जाता है तो वो आपके बहुत से ऐसे terms और चीज़ों को जान जाएगा जो उसको नहीं जानना चाहिए. Google, for instance, can combine your search history with more data about your identity and associate them with a full profile that both the search engine and advertiser can use to get an idea who you are. क्योंकि आपकी जब identity और आपके profile के बारे में detail पता होता है search engine को तो उसे कोई भी advertiser use कर सकता है. And you are what you are interested in and what you are most likely to buy. और उससे आपका ये पता लग जाता है आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और क्या खरीदना चाहते हैं. दैट शुड मेक यू थिंक ट्वाइस अबाउट शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स योर इंटरेस्ट एंड इवन इंक्वायरीज बॉर्न आउट ऑफ आइडियल क्यूरियोसिटी विद अ मेजर सर्च इंजन लाइक गूगल. और वो इससे आपकी प्रॉब्लम्स को आपके इंटरेस्ट को आपकी इंक्वायरी को जो आप करते हैं वो सब जान जाता है. It isn't true that you can search for anything you want. Delete your browsing history and no one will know what you were reading. अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसको history को delete कर दीजिए तो ऐसा है कि कोई उसको नहीं जान पाएगा. Google records what you search and uses that information to figure out how to target ads especially to you. और गूगल जो होता है आपके सारे सर्च को रिकॉर्ड करता रहता है हिस्ट्री में और टारगेट करता है कि आप क्या करना चाहते हैं उसको पता कर लेता है. सो इट इज़ नॉट जस्ट गूगल दैट नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर सर्चिंग. एज गूगल एक्सप्लेन्स व्हेन यू क्लिक ऑन सर्च रिजल्ट इन गूगल सर्च योर वेब ब्राउजर ऑल्सो मे सेंड द इंटरनेट एड्रेस और यू आर लर लॉक फॉर सर्च रिजल्ट पेज टू डेस्टिनेशन पेज एज अ HTTP रेफरर. जब आप ध्यान दीजिए किसी भी वेबसाइट पर आप अपना एड्रेस लिखते हैं URL लिखते हैं और कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो आपको URL में दिखता है. URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. एड्रेस बार होता है गूगल में जब आप लिखते हैं सर्च अबाउट YouTube. अब देखिए ये आपका वर्ड जो है ये सर्च अबाउट YouTube हर वर्ड को वो अलग अलग करके सर्च में डालता है और उसको सर्च करता है तो उससे क्या होगा कि आपका सारी इंफॉर्मेशन गूगल में चली जाती है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है किसी टाइम पे. The URL of the search result page may sometimes contain a search query you enter. अब हमने अभी किया था ना query कि what is your right search about YouTube. You might not think that URL of page contain a whole lot of useful information until you consider an example like the WebMD page for an
एसटीडी और वेबसाइट फॉर योर होम टाउन। अब आप अपने घर के लिए या किसी और के लिए अपनी वेबसाइट को ढूंढ रहे हैं या अपनी वेबसाइट को ढूंढ रहे हैं, तो उसका URL, उसका IP एड्रेस सब कुछ गूगल को मिल जाता है। इवन जस्ट फॉर द गूगल यूजर इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट यू सर्च फॉर योर लोकेशन एंड टाइम ऑफ द डे टू चूज एड्स, इट ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट योर प्रीवियस वेब सर्च, योर गूगल वेब हिस्ट्री, योर हिस्ट्री ऑफ विजिटिंग वेबसाइट दैट advertise with the Google information from your Google account, like your age, gender, your previous interaction with the Google ads and search result, with all that it might read on for 5 things that you shouldn't ever search for when using Google. तो आप जब कुछ भी करते हैं तो वो आपके age, gender, आपके क्या किससे interact किया, किस type का ad दिया, क्या चीज़ search किया, वो सब चीज़ें आपकी रिकॉर्ड कर लेता है। तो आप लोग कहते हैं अरे पता नहीं YouTube ने कैसे हम लोगों का डिलीट कर दिया, वो गूगल के थ्रू आपकी सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है और जान जाता है कि आपने किससे इंटरेक्शन किया, क्या गलत काम किया, और उसके हिसाब से वो आपकी चीज़ों को डिलीट कर देता है। अब क्या 5 चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमने आपको शॉर्ट में बताया था, अब क्यों नहीं करनी चाहिए वो हम वन बाय वन लेंगे। डोंट सर्च फॉर थिंग दैट क्यू गूगल इन टू योर लोकेशन। अब लोकेशन क्यों नहीं बतानी चाहिए, मेंबर ऑफ द मीडिया फाउंड दैट इट वॉजेंट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई योर सर्चर्स होम टाउन, नेबरहुड, एज, सेक्स, अदर आइडेंटिफाइड डिटेल थ्रू देयर सर्चेज। इसके थ्रू जो होता है आपके घर का, आपके अगल बगल का, आपके एज, सेक्स और सब चीज़ों के बारे में गूगल सर्च जो होता है वो फाइंड आउट कर लेता है लोकेशन के थ्रू। अब जैसे आपने दे दिया कि हमारा कोई शॉपिंग मॉल है तो उसका गूगल पे इंफॉर्मेशन दे दी, तो उसके अगल बगल की सारी चीज़ें और सब चीज़ें आपके एज और सेक्स और हर चीज़ों के बारे में वो रिकॉर्ड कर लेता है, जो और ज़रूरत पड़ने पर उसको किसी और को भी दे सकता है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और हैकर्स लोग बहुत इजीली इन सब चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है जो आपके लिए फ्यूचर के लिए हार्मफुल है। डोंट सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल इशू और ड्रग्स। अ बिगर प्राइवेसी इशू लिबर्ट वॉरियर्स आर लीक दैट कुड एक्सपोज पीपल इंटीमेट हेल्थ इंफॉर्मेशन टू एनीवन willing to buy or have database. अब आपके बीमारी के बारे में लोग जान जाते हैं, आपके प्रॉब्लम के बारे में जान जाते हैं, तो वो हो सकता है कि वो गलत मेडिसिन आपको प्रोवाइड कर दें और आपसे सिंपैथी लेकर के गलत ढंग से आपको मेडिकेट कर दें। स्टोलन मेडिकल इंफॉर्मेशन इज रूटीनली ट्रैफिक्ड और क्रिमिनल वेबसाइट एंड आर ऑफन यूज फॉर मेडिकल फ्रॉड एंड अदर स्कैम, और आपके साथ मेडिकल फ्रॉड या स्कैम हो सकता है। थर्ड पार्टीज कुड मैच यू विद योर मेडिकल सर्च रिजल्ट एंड एडवर्टाइजर कुड इवन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू बेस्ड ऑन योर मेडिकल सर्च। अब वो आपकी कमी के बारे में जान करके वो आपको सर्च कर लेगा, एंड इवन इफ दे नेवर कनेक्टेड टू योर डेफिनेटली, और आपको सामान बेच करके वो अलग हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा और आगे कभी आपसे वो कांटेक्ट भी नहीं करेगा। जैसे कि कोरोना वायरस के समय में बहुत से लोगों ने नकली वैक्सीन बेची और लोगों ने सोचा कि कम दाम में मिल रही है तो जल्दी से ऑनलाइन ले लें, जिसका फ़ायदा गलत लोगों ने उठाया। सो डोंट गिव एनी इशू अबाउट योर ड्रग्स एंड मेडिकल एड, इट कैन बी हार्मफुल टू यू। डोंट गिव योर सर्च इंजन हिंट्स अबाउट योर इनसिक्योरिटी। अब किसी चीज़ से आपको इनसिक्योरिटी है तो उसको आप मत बताइए। एडवर्टाइजिंग इज नोटोरियस फॉर्मुलेटेड टू क्रिएट एंड कैपिटलाइज अपॉन यूर इनसिक्योरिटी गिविंग योर सर्च इंजन and all of the advertiser that delivers the information it's collect on you easy access to the insecurities you already have just does the dirty work for them
मेकिंग थिंग इजियर फॉर एडवर्टाइज हु वांट टू कैपिटलाइज ऑन योर इनसिक्योरिटी टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विस डजंट साउंड लाइक अ ह्यूज डील कंपेयर टू व्हाट हैपन व्हेन यू सर्च फॉर मेडिकल इंफॉर्मेशन बट इट स्टिल हैज सम अनसेटिंग सेटलिंग इफेक्ट्स दैट यू शुड अवॉइड इफ यू कैन। अब आपके इनसिक्योरिटी की वजह से तो उसने क्या किया कि खराब मेडिसिन जो है बेच दी और ऐड दे करके आपको फुसला लिया। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए और ऐसे प्रोडक्ट से बच के रहिए और लोगों से बच के रहिए। डोंट सर्च फॉर एनीथिंग सस्पिशियस स्पेशली एट वर्क। आपके काम की जगह पे कोई चीज़ सस्पिशियस है तो उसको सर्च मत करिए। डोंट सर्च फॉर सस्पिशियस टर्म और एनीथिंग दैट कुड बी कंस्ट्रूड एज क्राइम रिलेटेड व्हेन समवन इज वॉचिंग योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। बहुत से लोग आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को सर्च करके आपके बैंक तक पहुंच जाते हैं, आपके कमियों को जान लेते हैं, आपके क्राइम के बारे में जान लेते हैं, आपके गलत आदतों के बारे में जान जाते हैं। जो अभी बीच में देखिए कितना स्कैम हुआ था, लोगों के ड्रग्स की इंफॉर्मेशन मिल गई थी जिससे बहुत से स्टार और बहुत से लोग पकड़े गए थे। द सेफेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू अज्यूम दैट समवन ऑलवेज इज। ऑन अ सिमिलर नोट इट्स अ बैड आइडिया टू सर्च एनी टाइम क्राइम रिलेटेड इफ यू हैव समथिंग टू हाइड। ऐसा कुछ भी ना करिए जो आपके वो क्राइम से रिलेटेड है और आपको छुपाना पड़े। ऑब्वियसली वी डोंट कंडोन कमिटिंग अ क्राइम बट इट्स वर्थ नथिंग दैट पीपल गूगल सर्च हैव बीन यूज्ड टू कन्विक्ट देम ऑफ क्राइम स्पेशली व्हेन दे जस्ट सो हैपन टू गूगल द क्राइम राइट बिफोर और आफ्टर दे हैव कमिटेड इट। अब बहुत से लोग बहुत से क्राइम करते हैं ऑनलाइन और चाहते हैं कि उसको छुपा लें, तो वो छुपने वाला नहीं। आपकी सारी एक्टिविटी के बारे में गूगल को पता रहता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डोंट गूगल एनीथिंग दैट अनेबल गूगल टू डिफाइन योर आइडेंटिटी। अब ऐसी कोई भी चीज़ सर्च ना करिए जो आपकी आइडेंटिटी को गूगल जान पाए। इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट फाइंडिंग अ वे अराउंड अ गूगल प्रोपेंसिटी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोफाइल टू डिफाइन हु यू आर and how much you are worth to specific advertiser, then there are not much recourse but to avoid searching anything that could give Google or advertiser a clue about your identity. अब आप बहुत अपने पैसे को शो करिए, आप बहुत अपना दिखाइए कि हमारी तो बड़ी कैपेसिटी है, हम पैसा खर्चा कर सकते हैं, तो Google और advertiser दोनों ही चीज़ों को find out कर लेते हैं। Even if many classifications are inaccurate, they can still harm you with effect like price discrimination in which companies profile you and determine how much to charge you for good or service. अब होता क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा अपने पैसे का शो ऑफ करते हैं तो कंपनीज भी जान जाती हैं, एडवर्टाइजर भी जान जाते हैं, तो वो डिस्काउंट तो देते हैं लेकिन आपकी स्टेटस के हिसाब से डिस्काउंट देते हैं और डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आपसे कम डिस्काउंट दे करके सामान को खरीदवा लेते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट सर्च इंजन एंड एडवर्टाइजर कलेक्ट ऑन यू, देयर आर अ फ्यू स्टेप्स यू शुड टेक। अब आप चाहतेंगे कि हम अपने सामान का नाम कम करा दें, चूज एन अल्टरनेटिव सर्च इंजन लाइक डकडकगो टू कीप योर सर्च हिस्ट्री फॉर being record and analyze। आप DuckDuckGo को use करिए जो आपकी history को नहीं use करेगा और analyze नहीं करेगा। install an extension like Adblock Plus, Ghostery or Disconnect to perfect yourself against companies। और ऐसी बहुत सी apps है जिसको आप use करके ad को block कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को बचा सकते हैं। चेक योर प्राइवेसी सेटिंग ऑन अ पॉपुलर साइट एंड ऑलवेज लॉग आउट ऑफ सोशल नेटवर्क व्हेन यू आर ब्राउजिंग द वेब। अपनी वेबसाइट को जब आप ब्राउज किसी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तो आप सोशल नेटवर्क को लॉग आउट कर सकते हैं जिससे कि वो आपके बारे में ना जाने। और
ऐड को आप ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि हर समय ऐड आना आता रहे आपके पास और वो आपकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर ना करे। तो डकडकगो को उन्होंने सेफ बताया, जो इंडियन ऐप है, इसकी सहायता से आप ब्राउजिंग सेफली कर सकते हैं। गूगल यू आपके सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में रिकॉर्ड होती रहती है और आपकी सारी एक्टिविटीज को पता होती है। सो गूगल कैन हार्म यू, गूगल कैन सेल योर इंफॉर्मेशन टू द एडवर्टाइजर टू गेट द रेवेन्यू। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी हैपन विथ यू, सो बी केयरफुल एंड टेक प्रिकॉशन फॉर दैट। ऑलवेज लॉग आउट व्हेन यू ब्राउज एनी वेबसाइट एंड ब्लॉक द एड्स। थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल। इफ यू लाइक देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। गूगल से बच के रहें और लॉग आउट करके रहें जबकि आप अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर डूइंग वर्क ऑन द यूट्यूब एंड वी नीड द गूगल क्रोम बिकॉज इट वर्क ओनली ऑन दैट। सो स्टिल यू आर केयरफुल अबाउट द गूगल क्रोम एंड अदर साइट्स। थैंक यू व्यूअर, इट इज ऑल टुडे। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी सिक्योर।